खुदावन में खुशी करो। दोबारा कहता हूँ, खुशी करो क्योंकि खुदावन नजदीक है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराकत आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में अजीजो, आज हम आमद के तीसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं, लिहाजा खुशी की शम्मा को रोशन किया जाएगा। आज कलाम खुदा हमें सिखाता है कि खुदा वफादार है और हमें अपने खुदावन यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाता है। दुनिया का हर इंसान खुशी की तलाश में है। हम दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। आम लोग का मानना है कि इंसान अपने साए की मानद है, जिसे जैसे आप इस के करीब जाएंगे, क्योंकि मसीह हमारे लिए खुशी का पैगाम बनकर आता है। और आज की तलावतें हकीकी खुशी को पाने के लिए उम्मीद, इंतज़ार और हलीमी का हमें दर्ज देती हैं। हम जो अलामतें तैयार की गई हैं, अलामती तौर पर लगे हुए यीशु के इस दरख्त पर अवेज़ा करेंगे। शनाई, सॉरी, चिराग रोशनी की अलामत है। यीशु की पैदाइश, तारीकी दूर हो गई है। कैद खाना गुलामी की अलामत है। खुदा हमें गुलामी से रहाई देता है। शहनाई खुशी की अलामत है, जिसकी बशारत अशाया नबी देता है। साथ ही हमारे लिए मौका होगा दुरान इबादत, हम पाक संदूक के सामने जाकर एतराफ़ का पाक साक्रामेंट हासिल करें। अजीज मोमिनीन, आईनी ख्यालात के साथ हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार भी करें, ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नेज अफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दस मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों के खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाह को माफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। खुदावंद आपके साथ हो, हम दुआ मांगे।
ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, तू देखता है कि तेरी कलीसिया दिलोजान से अपने खुदावंद की पैदाइश की तैयारी करती है। हमारी आजजाना दुआ ये है कि हम अपने अजीमुल शान निजात दहिंदा की ईद देखने पाए और हमेशा बड़े शौक, नेक इरादे, पुरजोश दुआ और दिली शादमानी से उसे मना भी सके। मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। काहिन पाप संदूक के सामने मौजूद है। दुराने इबादत आप इतराफ के साक्रामेंट के लिए जा सकते हैं। पहली तलावत अशाय नबी का सही पाउस का दसवां बाब पहली दो आयात और 10 से 11 आयात तक। आज की पहली तलावत में आने वाले और मसा किए हुए मसीहा की इकासी करती है। अशाय नबी कहते हैं कि मैं खुदावन में नहायत शादमान हूँगा। मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं और असीरों को आजादी और कैदियों को रिहाई की बिशारत दूं, ताकि खुदावंद के सारे मकबूल का और हमारे खुदावंद के इंतकाम के दिन का इश्तिहार हो और सब मातम करने वालों को तसल्ली बख्शे। मैं खुदावंद में नहायत शादमान होगा और मेरी जान मेरे खुदा में खुश होगी, क्योंकि उसने मुझको नजात की पोशाक से मुलव्वस किया और सदाकत का जुब्बा मुझे पहनाया। दुल्हन की तरह जो ताज से सजाया गया हो और दुल्हन की तरह जो अपने जेवरात से आरास्ता हो, क्योंकि जिस तरह जमीन अपनी सब्जी निकालती और बाग अपने में बोई हुई चीजों को उगाता है, उसी तरह से मालिक खुदावंद तमाम कौमों के सामने सदाकत और हमद उगाएगा। पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमाती जवाब। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश हो है। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्थाली पर इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है, क्योंकि अल्कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका
और उसकी रहमत उन पर जो से डरते हैं कायम रहती है। मेरी रूह मेरे खुदा सोती है। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए। मेरी रूह मेरे खुदा ने सो दी है। दूसरी तलावत पहला तसालोनिकियों उसका 5:16-24 आयात तक। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को लिखते हैं कि हमेशा खुश रहो, बिना लागा दुआ करो, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। ऐ भाइयों, हम तुमसे अर्ज करते हैं कि हमेशा खुश रहो, बिना लागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों का इम्तिहान करो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरत ही से दूर रहो। सलामती का खुदा आप ही तुमको बिल्कुल मुकद्दस करे और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रखो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। दौरान इबादत हमारे लिए मौका होगा कि पाक संदूक के सामने जाकर एतराफ़ का पाक सैक्रामेंट हासिल करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 1 और उसकी 6-8 आयत और 19-28 आयत तक। उस वक्त एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से यूहन्ना शहादत देने के लिए
जाहिर हुआ। और जब यहूदियों ने यरूशलम से कहन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया और कि मैं तो अल मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू अल नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है, तो अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा शायर नबी ने कहा, मैं हूँ। पुकारने वाले की आवाज़ दिया बाग में, खुदावन की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे। उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल मसीह है, ना लियास, ना अल नबी, तो फिर इस्तबाक क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाक देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का मैं तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतानिया में वाक़ हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाक देता था। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रख। मसीह खुदावन में रिज़्दो, आज बड़े ईमान और भरोसे के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप लतूरिया में क्या तब्दीली देखते हैं, क्या महसूस करते हैं कि तब्दीली क्या है? लतूरिया में किस किस्म की तब्दीली है? कलर चेंज है। इससे पहले कि हम आज की अंजील और आज के कलाम पर गौर-ओ-गोश करें, हम इसी मुनासबत से, रंग की मुनासबत से जो मोमबत्ती है उससे हम रोशन करेंगे। तो हम सबसे पहले अनायत जलाल के ख़ानदान को दावत देते हैं कि ख़ानदान की सूरत में आए और इस शमा को रोशन करें जो पिंक है और खुशी की अलामत मानी जाती है। मसीह खुदावन्द में रिज़्दो, ये हमने खुशी की मोमबत्ती को रोशन किया है। और याद रखें, खुशी तो एक ख्वाब ही हो गई है, और जैसे ही सुबह उठते हैं और ख्वाब ख़त्म हो जाता है। दुनिया ने आपको दुख देने वाले, अज़ियत देने वाले, मुसीबत देने वाले, परेशानी देने वाले, टेंशन देने वाले, आपके लिए मसाइल पैदा करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अगर मिलेगा नहीं तो सिर्फ एक ऐसा शख्स जो आपको क्या दे सके, खुशी दे सके। और याद रखें, अगर हम खुश रहें तो बहुत सी बीमारियां वैसे ही हमसे दूर रहती हैं। और इस खुशी के लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं ताकि खुशी हासिल करें, मगर खुशी हमें मयसर नहीं आती। बेचैनी परेशानी इंसान के साथ साथ है, मगर आज कलीसिया इस शमा को रोशन करने से हमें सिखाना चाहती है कि हम किस तरह अपनी शख्सी जिंदगी में, अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी इज़्ज़वाजी जिंदगी में, अपनी माशरती जिंदगी में किस तरह खुशी को तलाश कर सकते हैं। ये अंधेरे में चिराग लेकर अगर ढूंढते हैं तो फिर ही मिलेगी खुशी, क्योंकि हमें जिंदगी में हम देखते हैं कि जब खुशी की बात करते हैं तो ये नापैद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है।
दुनिया में झगड़े फसाद जंग बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानियाँ हैं, और वाहिद अगर है नहीं तो वो खुशी हमारी ज़िंदगी में नहीं है। इसलिए कलीसिया इन अलामात के ज़रिए इन निशानात के ज़रिए हमें बताना चाहती है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को तलाश करें कि हम किस तरह खुशी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए इस शमा के रोशन करने से जो रोशनी फैली है, याद रखें उसे यहीं चर्च में छोड़ के चले नहीं जाना, बल्कि उससे अपने हमरा ले जाना है, कुछ अपने लिए, कुछ अपने खानदान के लिए और कुछ अपने आस पड़ोस के लिए, उन लोगों के लिए कि जिनके पास आप रहते हैं। याद रखें जब खुशी के सफीर बनकर आप जाएंगे, ये किरदार आपके लिए नबवी किरदार बन जाएगा। जिस तरह 750 साल पहले अशाया खुशी की बशारत दे रहा है, खुशी की बात कर रहा है, और आज की अंजीले मुकद्दस और आज की दूसरी तलावत भी खुशी की तरफ हमें मायल करते हुए नजर आती है। इसलिए अशाया नबी फरमा रहा है कि मैं खुदावन में नहायत खुश होगा, और ये खुशी जब खुदावन में हासिल की जाएगी तो उसका पैमाना क्या होगा, उसका मियार क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, यह हमें सोचना है, जांच करनी है, देखना है कि उस खुशी का मियार क्या है जो हम अपनी जिंदगी में और अपनी माशरे में देखते हैं कि किस तरह हम खुशी हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए याद रखें, आज फॉर्मेट बता दिया जाता है अशाया नबी की मार्फत, अशाया के सहीफे में 750 साल पहले यह बात कर दी गई थी कि किस तरह हमने अपनी जिंदगियों में खुशी को तलाश करना है, किस तरह हम खुशी के हकदार बन जाएंगे। इसलिए कहा गया मालिके खुदावंद की रूह मुझ पर है। सबसे पहले याद रखने की जरूरत है, अशाया ने अपने मुतल्लिक ये बात की है कि रूह खुदा मुझ पर है, इस रोए जमीन पर और इस चर्च में बैठे हुए हर शख्स के साथ रूह है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहां कोई ऐसा शख्स है अगर कहे कि रूह खुदा उसके साथ नहीं है, कोई ऐसा मौजूद है? नहीं, कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है, हर शख्स के साथ रूह है। क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसके नथरों में क्या फूका है? जिंदगी का दम फूका है, और जब दम फूका है तो याद रखे रूह खुदा हमें समा गई है। हमें सिर्फ उसे उजागर करना है कि हमारे साथ खुदा की रूह है। इसलिए याद रखिए, फरमाया जाता है रूह खुदा मुझ पर है क्योंकि खुदा ने मुझे मसा किया है। दूसरी बात कि इधर जितने जितने भी लोग बैठे हैं सब मसा शुदा हैं, खुदावन के नाम पर मसा किए हुए लोग हैं, इसलिए मसीह कहलाते हैं। और याद रखने की बात है कि जब हम खुदावन की रूह रखते हैं, खुदा ने मसा किया है, तो फिर हमने क्या करना है? वही करना है जो अशाया नबी ने कहा कि मस्कीनों को खुशखबरी दो, ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दो, रूह खुदा तुम पर है, तुम मसा शुदा हो। और उसके बाद तुमने करना क्या है? रूह को लेकर हमने सिर्फ बैठे नहीं रहना, मसा हो तो इस मसा को आगे भी बढ़ाना है। इसलिए कहा गया कि मस्कीनों को खुशखबरी दो। हम अपनी जिंदगी में देखें, हम किसी को दुख देने के लिए सेकंड भी नहीं लगाते, और जब खुशी की बात है सोचे विचार में पड़ जाते हैं। आमद के आयाम में मोहब्बत के सफीर बनके, खुशी के सफीर बनके जिससे आप नाराज हैं उसके घर उसमें चले जाएं, उसके पास चले जाएं, उसके घर चले जाएं कि हम जो है आपसे सुलह करना चाहते हैं, खुशी का पैगाम आपके पास लेकर आए। अब बात यह है कि कोई माफ करना नहीं चाहता और कोई माफी देना नहीं चाहता और कोई लेना नहीं चाहता, सारी जिंदगी हम इसमें गुजार देते हैं और खुशी के सफीर नहीं बनते। ये हमारी जिंदगी में याद रखे, खुदा ने मसा किया है, रूह खुदा हम पर है, हम मसा शुदा लोग हैं, और कहा जा रहा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दो, और उसने मुझे इसलिए भेजा कि शख्सा दिलों को दुरुस्त करो, जो टूटे हुए दिल है, जो दूर है, जिनके दरमियान जुदाइयां आ चुकी हैं, दूरियां बढ़ चुकी हैं। इसलिए कहा गया जो शख्सा दिल है, टूटे हुए दिल है, उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत को फरोग दो, असीरों को आजाद करो जो बंदरों में जकड़ों में जकड़ चुके हैं, शायद वो बंदिश, वो कैद जो बताई गई है, सील वो
शायद बीमारी की भी हो सकती है, वो बेरोजगारी की भी हो सकती है, बेऔलादी की भी हो सकती है, सूद की भी हो सकती है, दीगर किस्म की बहुत सी परेशानियां हो सकती है जिसमें फंसे हुए हैं। तो याद रखे, जब चंद अल्फाज खुशी के साथ आप कहेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। कैदियों को रिहाई की बशारत दो। हमने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया कि जो दुख और परेशानी और बिलखसूस कैद में जिंदगी गुजारता है, चाहे वह गुनाहगार है चाहे नहीं गुनाहगार, उसके पास जाकर उससे पूछा जाए कि भाई आपका क्या हाल है। और फिर इससे बढ़कर कहा गया ताकि खुदावन के साल मकबूल का और हमारे खुदावन के इंतकाम का दिन इश्तियारों और सब मातम करने वालों को तसली दो। और फिर जब ये मतजा बारा बातें जितनी भी की गई असीरों को, कैदियों को और मस्कीनों को खुशखबरी देने की बात, फिर शाया क्या कहता है? जब ये अमल हम कर लेते हैं, हम भूखे के लिए रोटी तोड़ते हैं, हमारा मोहताज को अपने घर के घर पर लेके आते हैं और जिसको नंगा देखते हैं उसे कपड़े पहनाते हैं। क्योंकि याद रखे दर हकीकत हम किसी के लिए खुशी का जब बायस बनते हैं तो हम अपने खुदा के साथ वो दर हकीकत करते हैं। इसलिए कहा गया कि मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पीने को दिया, मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनने को दिया। याद रखे ये बात। इसी तरह बाद में हम दरवाजा दस्तक देंगे कि ऐ खुदावन दरवाजा खोल दे, मगर अंदर से आवाज ये आएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि हमने उन कुवारियों की माने जिंदगी नहीं गुजारी जिन्होंने अपने मशलों में और अपनी कुपियों में तेल डाला, और जब दूल्हा आया तो उसके इस्तकबाल पर चली गई, उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की है। और जब याद रखे खुशी की बात है तो शाह क्या फरमाता है, जब हम इन्हीं ख्यालात के जज्बात के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर शाह कहता है मैं खुदावन में नहायत शादमान हूंगा क्योंकि उसने ऐसा कर लिया है, उसने मस्कीनों को खुशखबरी दे दी है, उसने शख्सा दिलों को दुरुस्त किया है, उसने असीरों को आजाद किया है, कैदियों की रहाई के लिए सामान मुहैया किया है, उसने आवारा मोहताज को अपने घर पर लेके आया, भूखे के लिए उसने खुराक का इंतजाम किया है, प्यासे के लिए उसने पानी का इंतजाम किया है। इसलिए वो कहता है कि मैं खुदावन में खुश हूं। और जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो फिर खुशी और मसरत हमारे साथ साथ है क्योंकि हम खुदावन में आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी तलावत में पालूस बड़े भेद की बात हमें बता रहा है। और भेद की बात क्या है? भेद की ऐसी बात है कि जमीन पर रहते हुए आसमान के खुदा की मर्जी का हम किस तरह हिस्सा बन सकते हैं। पालूस आज ये भेद की बात करते हुए फरमाता है, पालूस रसूल फरमाता है ऐ भाइयों हम तुमसे अर्ज करते हैं कि हमेशा खुश रहो। खुश रहने की पालूस रसूल नसीहत करता है, दुख में परेशानी में मुसीबत में टेंशन में पालूस रसूल कहता है कि खुश रहना है। इसलिए वो भेद की बात करते हुए आगे बढ़ता है, फिर उसके साथ कहता है कि बिना नागा दुआ करो। और तीसरी बात जो करता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तीन बातें हुई, सबसे पहले खुश रहने की बात अवनी में, दूसरी बिना नागा दुआ, और तीसरी हर एक बात में शुक्रगुजारी की बात करता है। क्यों करता है? इससे आगे बढ़कर पालूस रसूल बड़े वाजे और जामे तौर पर इस बात को खोल देता है और कहता है क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है, यही खुदा की मर्जी है कि तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी में खुश रहो, हर हाल में अपने खुदा का शुक्र करो, बिना नागा दुआ करो। वो हमारी जिंदगी में खुशी देखना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम हर हाल में खुश रहें क्योंकि रोए खुदा हम में बसा हुआ है। और इसी के साथ याद रखने की जरूरत है कि कहा जाता है कि रूहों को ना बजाओ, नबूतों की हकारत ना करो, सब बातों का इंतजार करो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरत से ही दूर रहे, सलामती का खुदा आप ही तुमको बिल्कुल मुकद्दस करेगा और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह की आमद तक बेजाम महफूज रहो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आज क्यों कलीसिया हमें बताना चाहती है कि हम खुशी अपनी जिंदगियों में तलाश करें? क्योंकि कलीसिया जानती है कि खुशी की बहुत अशद जरूरत है, बहुत अशद जरूरत है।
लोग बेचैनी में, बदहाली में, परेशानी में जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए इन आमद के याम में सोचे कि हम किस तरह दूसरों के लिए खुशी का बायस बन सकते हैं। शायद आपके आस पड़ोस कोई ऐसा शख्स है जिसे आपकी जरूरत है, ऐसा शख्स कोई बीमार है जिसकी जाकर आप तीमारदारी कर सकते हैं, शायद उसके लिए कुछ मेडिसिन का भी इंतजाम कर सकते हैं। ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके बच्चों को कुछ तालीम की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, यूनिफॉर्म की जरूरत है। और याद रखें, प्लानिंग हम बड़ी बांध रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, प्लानिंग हम बड़ी बांध रहे हैं कि क्रिसमस से पहले नए कपड़े भी तैयार कर रहे हैं, उसके बाद घर में वाइट वॉश भी कर रहे हैं, क्या खाना है और कहाँ घूमने जाना है वो भी प्लानिंग हो चुकी है। धन ऐसी है, हाँ करें, ठीक है, तैयारी हो चुकी है। अब हमने ये नहीं सोचा कि हमारे गिर्दो नवाब में जिसे हमारी जरूरत है, जिसके लिए हम खुशी का बायस बन सकते हैं, वो कौन लोग हैं। और फिर बात आती है, कोई भी जरूरतमंद नहीं, जब आंखें खोलकर देखते हैं तो बहुत से जरूरतमंद हमें नजर आ सकते हैं। मैं येसी के अलामती ट्री पर सिर्फ एक बैग देख रहा हूं, शायद थोड़ा सा अंदर पड़ा है। हम किसके लिए खुशी का बायस बने? जब हमारे पास लंबी लिस्ट होती है, बहुत से लोग कि मास्टर जी इस दफा कुछ हमारा ख्याल करें, और पैकेट इधर दो ही पड़े हुए, एक अंदर रख दिए, कभी तो लाख किसी ने रखा है। याद रखें, कैसे हम खुशी का बायस बन रहे हैं? मुश्किल है, परेशानी हम सबके लिए भी है, मगर याद रखें, इस खुशी को हासिल करने के लिए जो मसीहा की आने की खुशी है, हम उसमें अकेले शरीक ना हो, किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ इंतजाम करें दूसरों के लिए खुशी का बायस बनने के लिए। यूहन्ना इस्तबागी नूर की बात करता है, और इसी के साथ आज के अंजील मुकद्दस में बड़ी अहम खास बात, पिछले एतवारों से ही अक्स की हुई तलावतें और उसी तरह के कलाम, और आज के इस कलाम में यूहन्ना इस्तबागी को पूछा जा रहा है कि भाई आने वाला तू ही है, वो इनकार कर रहा है कि तू अलियास है, तू अल्लबी है, तू कौन है। वो कहता है कि नहीं, बल्कि वो पुकार वो फरमाता है कि मैं पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावन की राह को सीधा बनाऊं। अब बात यहां पर आकर रुक जाती है कि कलाम में लिखा है कि खुदावन की राह को सीधा बनाओ। सीधा किस तरह बनाएंगे? हमने पिछले इतवार भी सुना कि हर एक जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, जो ना हमवार है वो हमवार कर दिया जाएगा। हर एक टेढ़े सीधे करने की बात की गई है। और याद रखें, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसी बातें आ चुकी है जो हमारे दिल में ठहर गई है। किसी को माफ ना करना पहाड़ से भी ज्यादा हो चुका है, दूसरों की तीमारदारी ना करना पहाड़ से भी हो चुका है ऊपर, और बहुत सी इस तरह की अनगिनत बातें हमारी जिंदगी में आ चुकी हैं। इसलिए यूहन्ना इस्तबागी के जरिए, और इससे पहले शायद 750 साल पहले भी ये फरमा रहा है कि खुदावन की राह को तैयार करो, और जब खुदावन की राह तैयार हो जाएगी, याद रखे, खुदावन हमारे पास आएगा और हम खुदा के पास जाएंगे, और आना और जाना लगा रहेगा, क्योंकि हम उसकी रूह अपने दरमियान रखते हैं। और आज का कलाम हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारे जो दूसरों के लिए खुशी का बायस बने। हम देख सकते हैं कि किस तरह यूहन्ना इस्तबागी खुदावन के रस्ते को सीधा बनाने की बात कर रहा है, और फिर बार बार इस बात का इकरार कर रहा है कि हम अपने किरदार से, अमाल से, जिंदगी से खुदावन के रस्ते को सीधा बनाएं। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे, ताकि हम इस खुशी की शम्मा को अपने हमरा ले जाएं और रोशनी का काम करें, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आए हम सब खड़े होकर अपने अकीदे का इजहार करें। रसूलों का अकीदा, मैं मान लोग माफी परमेश्वर की जिंदगी पर आ गया।
अज़ीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादले मुत्तक बाप के हजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा अपनी कलीसिया को बख्श दे कि मोमिनीन की अकीदत की कुर्बानी लगातार तेरी नजर की जाती रहे, ताकि इस पाक भेद का मकसद पूरा हो जाए और तेरी निजात हम में मुकम्मल तौर पर असर पाए मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तमाम अंबिया उसकी पेशन गोई करते रहे। कमारी मरियम ने इंतहाई मोहब्बत से उसे गोद में लिया। यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों तक पहुंचाई और उसके आने पर उसे लोगों को दिखाया। उसने ये फजल बख्शा कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश के भेद का इंतजार करें, ताकि वो हमें हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान पाए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा जलाल से मामूर है। आज में बाला पर होशाना, बालिक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का
पाक बदन और खून बने। खुदावन यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उससे दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाह की माफी के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी कयामत का इकरार करते हैं तब तक के तू न आए। पस से पाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पाप आजम फ्रांसिस, हमारे उसके बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम रूहों को याद कर और उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मां हमारी मरियम, हजरत यूसुफ मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझकाज़े मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वाहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम सब खड़े होकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी दुआ में शामिल हो जैसा मसीह खुदावन ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती तहत बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, पर रहम कर के बर्रे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। खुदा के बेटे तुम्हारे बाप की मर्जी के मुताबिक शरीर पर जान लेकर यह खुदा 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 का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, क्या मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए।
मसीह का पाक नूर पुनः हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। कह दो कि हौसला करे और घबराए नहीं, क्योंकि हमारा खुदा आने को है जो हमें निजात दिलाएगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी रहमत के लिए तुझसे इंतजार करते हैं। बचते कि ये पाक रस्में हमें इलाही मदद से हमारे गुनाहों के सबब नादम करके आने वाली ईद मनाने पर हमें आमादा करे, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। और वही काज़े मुफले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रहे।